गर्मियों में हर कोई चाहता है कुछ ठंडा एंड कूल रेसिपी बनाना, तो यहाँ पर हम फ्रूट्स की सहायता से बनाएंगे कुछ ठंडी ठंडी कूल कूल वाटरमेलन शेक की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए बनाते हैं। वाटरमेलन शेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तरबूज लिया है जिसको मैं हाफ कट कर लूंगी, और इसमें से आधा ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसमें से थोड़े बड़े टुकड़े करूंगी जिसको हम चर्न करेंगे या ग्राइंड करने वाले हैं, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों में इसको काट के रख लिया एक बाउल में अलग से। तो अब हम इसमें मिलाएंगे दूध आधा कप जितना, और साथ ही 1/4 कप जितनी मलाई या फिर आप क्रीम, रेडीमेड क्रीम आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर मैं 3 चम्मच जितनी शुगर इस्तेमाल करूँगी, अगर आप चाहो तो कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, और 4 से 5 यहाँ पर आइस क्यूब्स डाले हैं इसमें, और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा वाटरमेलन शेक तैयार हो गया है, इसको हम सर्व करेंगे। उसके लिए एक ग्लास में हम थोड़े से तरबूज डालेंगे, तरबूज के टुकड़े, फिर शेक ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए उसमें थोड़े से और टुकड़े मैं डालूंगी वाटरमेलन के, साथ ही इस पर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद नहीं हो तो क्रीम आप अवॉइड कर सकते हो, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इस पर डालेंगे। तो ये हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल वाटरमेलन शेक तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और साथ ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।